वी हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. हमको अपने संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए कैसे अपने खर्चों को कम करना है, कैसे संसाधनों को बढ़ाना है, कैसे हमारा चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, चाहे माइनिंग है, चाहे फॉरेस्ट रिजर्व्स है, उससे कैसे प्रदेश के हमारे रिसोर्सेज को, हमारी जो आमदनी है, हमारा जो डेफिसिट है, उसको कैसे बैलेंस करना है. एंड ऑल्सो मैंने विधानसभा चुनावों के समय में भी ये बात कही थी, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर ऑफ द रूलिंग पार्टी, आई एम अगेन रिइटरेटिंग माई पॉइंट दैट वी हैव टू हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द एनडीए गवर्नमेंट इन द सेंटर. एक समन्वय, हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो केंद्र सरकार के साथ बनाना है. और हम स्वागत योग्य है, मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन जो है, पिछले कल प्रधानमंत्री जी से मिलना था, मगर क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अभी प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल पाए हैं. उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है, एंड आई एम श्योर दैट इन द टाइम्स टू कम, राजनीतिक खटास को पीछे रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द चुनावों के समय में हिमाचल प्रदेश में आके कहे थे कि हिमाचल प्रदेश मेरा घर है, वो उस बातों पे कायम रहेंगे. और जो भी सहयोग कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार से अलग अलग माध्यमों से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए या और चीजों के लिए, क्योंकि ओपीएस की बहाली होना भी अब कुछ समय की ही बात है, उसके लिए भी एक हमें वित्तीय सहयोग जो है वो केंद्र सरकार की ओर से चाहिए पड़ेगा. तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है एनडीए सरकार का, उनसे भी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी बड़ा दिल दिखाएं. और जिस तरीके से पूर्व में मैंने पहले भी ये बात कही थी कि एक समय था जब माननीय स्वर्गीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था रिज मैदान पर आकर कि वीरभद्र सिंह जी इज फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी बट ही इज माई पर्सनल फ्रेंड. दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एंड वर्किंग रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी. वी हैव टू वर्क एज अ टीम. जहां तक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वो है, वो थे, है और वो रहेंगे. हम आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ते थे, लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे. बट एज फार एज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, बिकॉज वी वर्क इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसा है जहां पे तालमेल दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार का होता है, इसलिए वी हैव टू वर्क एज अ टीम. और हम उस सरकार का एक छोटा सा अंश है. एक विधायक के रूप में मुझे दूसरी बारी चुना गया है, तो जो भी हमसे इसमें एक दायित्व हमारी ओर से हो सकेगा, वी स्टैंड रॉक सॉलिड विद आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. वी विल वर्क एज अ टीम. हमने राहुल गांधी जी को भी ये बात कही है, हाईकमांड को भी ये बात कही है कि 5 साल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में हम पूरी मजबूती के साथ आगे चलेंगे. जो मैंडेट हिमाचल प्रदेश की जनता ने, कलेक्टिव मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी को हाईकमांड ने बनाया है, उसका हम पूरे तरीके से मान सम्मान करते हैं. देखिए, भगवान मान जी को हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना राज्य संभाले, वहां से उनसे अपना राज्य संभल नहीं रहा है. वहां पे रोज जो है कोई गुंडागर्दी की हरकतें हो रही है, रोज शूटआउट्स हो रहे हैं, रोज जो है ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, और जो हाल उनके गुजरात में हुए है, हिमाचल में हुए है, इसलिए हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है. जहां तक प्रदेश माननीय उप मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने जो टीका टिप्पणी करी है, वो हमको ज्ञान देते थे कि विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में है. तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा संयम रखे, अभी तो आप मुख्यमंत्री कार्य, अभी तो आप मुख्यमंत्री निवास से शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, तो कृपया थोड़ा सा संयम रखे. सरकार नहीं बनी है, थोड़ा सा समय जो है वो एक चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. जब अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उस समय भी चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 3 महीने लग जाते हैं, तो यहां तो अभी केवल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन हुए हैं. तो मात्र थोड़ा सा आप भी संयम रखें, इतनी जल्दी टिक्का टिप्पणी करना शुरू नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है. थोड़ा सा संयम रखें, सब कुछ होगा, जो हमने वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे, आपकी कैबिनेट का गठन भी होगा. और जहां तक जयपुर जाने की बात थी, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, राहुल गांधी जी ऑल द वे अपनी यात्रा को छोड़कर जो है वो हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शिमला में आए थे, और यहाँ पे हम सब ने ये बात कही थी कि एक दिन सारा हमारा विधायक दल जो है वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जयपुर में जाकर उनको अपना मजबूती देगा. तो वो हमारे दायित्व है, हम सब कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अंग है, विधायक होने से पहले वी आर पार्ट ऑफ कांग्रेस फैमिली,
इसलिए जो कांग्रेस पार्टी की एक भारत जोड़ो मुहिम पूरे प्रदेश में देश में चल रही है उसमें पार्ट होना हमारा दायित्व बनता है, दैट इज वाई वी आर पार्ट ऑफ इट। प्राथमिक मुद्दे थे हमारे प्रदेश के अंदर जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा गया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी और उप मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि इन सब चीजों को विधिवत तरीके से जैसे ही सरकार का पूरे तरीके से गठन हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा। चाहे वो हमारा जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है जो हमारा नंबर वन एजेंडा है, क्योंकि मैंने खुद भी इस विषय को लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस मुद्दे को लेकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया है, इसलिए मैं समझता हूं इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेल द इलेक्टोरेट ऑफ द स्टेट, जो प्रदेश का हमारा मतदाता है उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड एंड वी विल डिलीवर इन द टाइम्स टू कम। इसलिए आप उस तरीके से पूरे तरीके से जो है वो आश्वासित रहे कि जो जो बातें हमने करी है, हमारी जो 10 गारंटीज थी उसको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा 1500 रुपए पेंशन की बात है उसको भी हम जो है आने वाले समय में पूरा करेंगे, और भी जो बातें हमने प्रदेश के लोगों से समय समय के ऊपर अलग अलग वर्गों से कही है, 680 करोड़ रुपए का जो पैकेज हमने युवाओं के लिए खास रूप से, जो 5 लाख नौकरियां इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर लाने की बात करी है, उसको भी हम पूरी तरीके से आने वाले समय में प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। और जब ये इंटरेक्शन जो हमारे लीडर्स की, मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री जी की और विधायकों की राहुल गांधी जी से दौसा के अंदर राजस्थान में एक इनफॉर्मल चर्चा हो रही थी, वहां पे राहुल गांधी जी ने यही दिशा निर्देश जो है वो सरकार को दिए है, संगठन को दिए है कि एक अच्छे तालमेल के साथ संगठन को और सरकार को पूरे तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले एक साल के अंदर जो है हमारा लोकसभा के चुनाव भी हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं 2024 में। वी हैव टू बी बैटल रेडी, दिस इज जस्ट बैटल दैट वी हैव वन, द वॉर इज येट टू कम, महायुद्ध जो है, महासंग्राम जो है वो अभी आना है, उसके लिए भी हमें पूरे तरीके से सशक्त रहना है, पूरे तरीके से तैयार रहना है, एंड वी हैव वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल और उसको बनाए रखना है। मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ ये हमारा एक पारिवारिक मसला है और उसको हम जो है वो कोर्ट के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से ठीक करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिकॉज आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम क्वेश्चंस, इसलिए मैंने तो पहले दिन ही ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी। मगर मैं ये जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि धुएं को निकलने के लिए आग की आवश्यकता होती है, और जब आग ही 3 साल से नहीं थी, अब उस आग को और धुएं को जबरदस्ती चुनावों के समय में क्यों लाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसने रचा है, क्यों रचा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये घर है हॉली लॉज, इसके ऊपर माँ ब्रह्मा काली का रक्षा कवच है, इसलिए मुझे किसी षड्यंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। वी विल वर्क कलेक्टिवली, यूनाइटेडली, एंड आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, आई एम आंसरेबल टू माई इलेक्ट्रेट, उन्होंने जो मुझे मैंडेट दिया है, सोच समझ कर दिया है, एंड कलेक्टिवली वी विल वर्क फॉरवर्ड। कुछ पत्रकार साधन इस चीज को राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन इनको फोन करता है, कौन उनको ये सप्लाई कर रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, जिसका जो है एक पूरे तरीके से उसको मैं बहुत जल्द पीडिया के सामने रखूंगा कि कहां कहां से उनको फोन आ रहे हैं।